व्यास्त के रंग से आपकी पैंट धुल चुकी है। सूर्यास्त के रंग से सिर्फ पैंट नहीं धुली है, पैंट एक विराट प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर सूर्यास्त को देखना है तो जो लौटती हुई लहरें के मुंह पे जो रंग होती है, जो पानी छूटा होता है, जो बादल होता है, वहां देखना चाहिए कि सूर्यास्त के रंग क्या क्या बदलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सूर्यास्त का रंग आदमी का मन बदल देता है। मैं जब थोड़ी देर पहले आया और मैंने ये समुद्र देखा तो मेरी पहली अनुभूति ये थी कि जैसे पृथ्वी सिकुड़ गई, क्योंकि यहाँ से छिते बहुत अंदर मत जाना यार, क्योंकि यहाँ से छिते बहुत मुश्किल आधा किलोमीटर दूर। लेकिन जो लहरें आती है वो लहरें उनका मेरे मन पे प्रभाव अद्भुत है। जो पहली 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 प्रक्रिया मेरे मन में हुई, इन लहरों का गरजता हुआ शोर मेरे मन के इतना करीब लगा, जैसे लगा कि मेरे भीतर की तमाम भावनाएं हैं जो अलग अलग आवाजों में इन लहरों में अभिव्यक्त हो रही है। और पहली प्रक्रिया मेरी इन लहरों के साथ खेलने की थी कि मैं दौड़ करके जब लहरें वापस जाती हैं तो इनके साथ जाऊँ, जब ये पलटती हैं तो इनको जैसे छुम छुआ ही नहीं होता है कि अपने को छूने का न्योता देते हुए इनके साथ खेल। दूसरी जो प्रक्रिया हुई इतनी ताजी, इतनी फिल्मों में ताजगी भरती हुई इस हवा को और भरने की इच्छा और इस रेत में दौड़ने की इच्छा, जो पैर धंसता है। तीसरी इच्छा हुई कि काश मैं कहीं से कोई लकड़ी पा जाऊं या कोई ऐसी चीज पा जाऊं जो पानी में तैरे, और उसको लगातार आते जाते झूले की तरह तैरता हुआ देखता रहूं। और एक अद्भुत बात है कि ये समुद्र अगर आना चाहिए तो पक्षियों को जरूर देखना चाहिए। इतने विराट गरजते हुए समुद्र के आगे वो क्या होता है कि पक्षियों को यकीन होता है कि हम इसमें अपने लिए खाना, अपने लिए शरण, अपने उड़ने लायक आसमान ढूंढ लेंगे। तो यहाँ आना चाहिए तो इन पक्षियों को जरूर देखना चाहिए और वैसे ही बिहेव करना चाहिए।